गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खरीत से होंगे। तो जी आज सामान आ गया मार्केट का जो हमने बाकी मंगवाया था, इंटीरियर का जो सामान था। तो हमारे में सा शेख साहब मौजूद है, बकरम खुद मौके पे, मौके वारदात पे, और इनके साथ ये भी दो शख्सियात मौजूद है। ठीक है सब, मजे में हैं। सामान आ गया जी मार्केट का, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो लेने चलते हैं। उसके बाद फिटिंग शिटिंग मार बोतल लेने चलते हैं जनाब। उसके बाद आपको दिखाते हैं, फिटिंग शिटिंग करके दिखाते हैं। बंदा आगे बाहर खड़ा है, दूसरे सामान मैं रिसीव कर लूं। चलो आप लोग लेके आओ ना, मैं और जरा हारून जा रहे हैं काम से। हम कोई 15-20 मिनट वापस आते हैं। इधर ही जा रहा है जरा आईएमई तक, तो हमारे से जरा जल्दी आना जाना करना है। आना जाना करते हैं आप लोग, चलो आप लोग आओ, मैं तब तक फिट करता हूं। डन हो गया, डन हो गया। चलो जी चलते हैं। सामान ले आए, इसका एसी जो एसी की जाली है ये टूटी हुई थी, और जो गियर के ये इसके नीचे होता ना, क्या होता है रबड़ होता है, हाँ जी, वो जो सारा निकला हुआ था उसकी वजह से ना स्मेल आती थी अंदर पेट्रोल की, तो हमने वो भी जी चीज़ कर दिया पूरा। मार भाई फुल फिटिंग मास्टर बने हैं इस टाइम भाई जान, जिस बंदे ने मार्केट्स रखी हुई है ना उसका काम करने आने चाहिए, उसको पता चल जाता है, अल्टीमेट पता चल जाता है। अगर ये काम करना नहीं आते तो फिर उसको बेच देनी चाहिए गाड़ी, और अगर बेचनी नहीं है तो मुझे भी दे सकता है फ्री में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाकी इसका और क्या सामान मार भी मंगवाया आज इसका जी, और सामान हमने बाकी अभी कुछ रहते हैं ठीक है, इसका वो भी आज नहीं पहुंचे जी। जी इसकी एसी वेंट्स थे, ये देखें ये ना टूटे हुए थे, दिखाएं जी जरा गाइस को। जी गाइस को मैं दिखाता हूं, ये टूटे हुए थे, ये हमने मंगवा लिए, ये देखें जी, ये हमारे पास पहुंच चुके हैं, हमने पिक कर लिया जी इनको, बड़े बेहतरीन से हैं ठीक है, बिल्कुल नए 0 मीटर। तो अब ये जो फिटिंग कर रहे हैं हमारे भाई, ये आपको आती है जो फिटिंग कर रहे हैं? अच्छा हमको सिखा दिया है। लगे तो हैं भाई ने, अब देखिए क्या होता है। तुम्हारे मैकेनिक की सिखाए इसकी, इसकी थोड़ी सी मैकेनिक की हमें भी सिखाए यार। मैकेनिक की तो इसकी मुझे खुद भी नहीं आती, बस लगाऊं कि शायद आ जाए, हो जाए। लगे एक दफा जब मैं ये जब गाड़ी नहीं ली थी ना, तो इसका मतलब अंदर से जो भी गियर का जो भी साफ था, जो भी था, मैंने खुद ही खोल के सारा इसको साफ किया। मैंने सुना था अंदर से आपके लिए बड़ी अहम चीज निकली थी अंदर से, बहुत अहम चीजें नहीं, बहुत मवाद निकला था, बहुत फुल चर्च प्रोग्राम था अंदर, जिस वजह से हमने ली थी उसने बड़ी भूखी थी, दोस्त ही था मेरा, पता नहीं उस बेचारे से गिर गई होगी मुझे लगता है शायद। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना, अक्सर वो तो शरीर था हमारे भी, लेकिन ये क्या होगा, शरीर ही है जी सारे शरीर, फिटिंग हो रही है शरीफ कौन नहीं है, सारे शरीफ ने, हाँ जी एक नवाज शरीफ शरीफ नहीं है, बाकी सारे शरीफ, बाकी सब शरीफ है। अच्छा ये फिट हो गया मार भी है, ये पूरी जगह पे बैठ गया अपने जी, जगह पे इसको बिठाना है अभी। अच्छा जी अब ये बैठ गया जगह, हाँ जी अब बैठा है, ये थोड़ा सा इस्तेमाल होगा तो मुझे लगता है रमा हो जाएगा, क्या कहना आपका इसके बारे में? उम्मीद तो है जी, देखें बाकी क्या होता है। और भैया वुडन इंटीरियर तो बहुत खूबसूरत लगवाया है जी, लेमन इंटीरियर इसको कहा जाता है ठीक है, मार्केट के अंदर मुझे वैसे बहुत पसंद है पर्सनली। तो सर ये आता भी बहुत कम गाड़ियों में है ये, खूबसूरत लगता है, एक लग्जरी लुक देता है। आवाज बड़ी सेक्सी हो गई जी कल से, बड़ी बेहतरीन, और एवरेज भी बड़ी खूबसूरत आ रही है गाड़ी की, आप देख सकते हैं। और भैया एवरेज 4.5 पे किस तरह आई है ये जी, मैक्सिमम 5 में थी, तो इसको मैंने अभी थोड़ा सा प्यार से चलाया है तो ये जरा और अच्छी होगी। नहीं इसको प्यार से ही चलाया करें, पेट्रोल तो जितना महंगा हो गया ना, मेरे ख्याल से हमें प्रियस ले लेनी चाहिए अब अच्छा प्रियस भी नहीं वाली, जिसकी एवरेज बहुत अच्छी है, मतलब सुना है कि उसके कोई 45 प्लस के करीब एवरेज है, तो चले ये देखें, ये 4.5 दे रही है, वो 45 दे रही है, उसमें से पॉइंट हट जाएगा, इतना जिंदगी में सुकून होगा मार भाई 45 एवरेज के साथ, आप जरा इमेजिन कर सकते हैं इस बात को? नहीं जिंदगी में सुकून, लेकिन अगर भाई इंशाल्लाह इसको अभी मैं कुछ देर तक सेल करने लगूं, अच्छा अच्छा मेरा माइंड है, क्योंकि अब 3.5 चला के ना अब ये थक गए आप थोड़ा सा
थकने के आपको लगता है कि पावर कम है गाड़ी की? ये कह लें या जो भी आपको सही लगता है वैसे कह लें, लेकिन मेरा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो अगला प्लान है ना, जो अगला एएमजी तो नहीं लेने लगे? नहीं नहीं सर, एएमजी कहां पे, हम गरीबों के पास कहां है एएमजी, पता चले भाई छोटी सी चीज लेने लगे इंशाल्लाह, पता चले भाई E63 लेके आ गए। नहीं नहीं सर, E63 वगैरह कहां पे, E63 ली है ना मुर्जा भाई ने ली है। हां माशाल्लाह, उसका भी इंशाल्लाह रिव्यू दिखाएंगे, देखने चलेंगे, वो देखने चलेंगे, बहुत खूबसूरत गाड़ी है यार। मैंने सुना वो जो गाड़ी है उनके बहुत साफ है, साफ है और गाड़ी ट्यून्ड है। अच्छा 700-750 व्हील्स पे है गाड़ी। चलेंगे ये जी हो गया, देखें फिटिंग इसकी फुल चीज पे हो गया, और ये तो टोटल जेन्युइन हो गया, देख सकते हैं जनाब आप नाजरीनो हाजरीन, हवा तीन और हवा तीन और क्या होते हैं, हवा तीन और होती हैं और हजरात, हवा तीनों हजरात हजरात। ये जी इसकी भी यार, इसका कवर अंदर भरा हुआ है, वो नहीं मैंने अभी तक लगाया, वो मैंने इसलिए उतारा था कि मैंने यहाँ पे एक स्पेयर LCD लगवाई होती थी। हाँ जी हाँ जी, वो उतरवा दी हमारे, वो मैंने उतरवा दी थी, वो मैंने हमारी एक बड़ी शहजादी गाड़ी है। हाँ जी ठीक है, शायद आपको पता ही, और हम भाई उसका कल्टस पता है, मेरा लव है वो, जब कोई काम नहीं आती था, कोई काम नहीं आती था वो काम तब वो काम आती है। ये कैसे लग रहा है यार, ये माइट भी, ये हमारे भाई इसको थोड़ा सा जरा तिरछा करेंगे तो लग जाएगा, ये चीज लग गया ठीक है। चलो जी अब इसका एसी वेंट्स खोल के, शीशे खोल खोल के जब चलाते हैं ना यार, ये भला क्यों है, ये मैं ना आवाज सुनने के लिए। हाँ जी, तो ये जो उनसे ना टोटल जानवर का लगे, कल तुलवाई है अभी आप ये देख रहे हैं जी, ये टूट गई है, देख सकते हैं आप कितने नाजुक सूरत हाल थी इसकी, क्योंकि मुझे पता कि है चल तो सही रही थी, लेकिन ये जरा काफी नाजुक सूरत हाल है इसकी यार, बहुत नाजुक सूरत हाल है। आप इधर करें तो मैं गाइस को दिखाऊं, ये इसका क्लिप उतार दिया जी हमने। अच्छा जी, और अरम भाई नहीं, इसमें एक और फंक्शन भी होता है, किस चीज का होता है ये जो ये? अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप ये मुझे नई वाली दिखाएं तो मैं गाइस को दिखाऊं। अच्छा ये बेसिकली होता है एयर प्यूरिफायर ना। अच्छा अच्छा, देख सकते हैं ये एयर प्यूरिफायर होता है, ये 3000 प्रीमियम में ही ये ऑप्शन आती है। अच्छा, 250 प्रीमियम में नहीं आती? 250 प्रीमियम में आती है, प्रीमियम्स में आती है ये। अच्छा ठीक है, लेकिन 250 प्रीमियम जरा कम है, तो जिन पैकेज पे भी डिपेंड करता है ना, कौन से पैकेज की गाड़ी है। हाँ ये भी अल्टीमेट डिपेंड करता है कौन सा है, ये फैंटास्टिक बीस्ट हो गया, फैंटास्टिक बीस्ट हो गया सर, ये फैंटास्टिक बीस्ट। ओहो आप तो फुल फिटिंग मास्टर बन गए सर, ये खोल खोल के ना सफर रहते हैं अगले, अभी तो स्टार्ट तो है। बात ये थी अरम भाई की, ये चीजें ना सिखा देती हैं यार इंसान को सारा। मार ये वाली चेंज करें सर, ये वाली चेंज करने के लिए मुझे आप वाली आ जाए, आ जाए आ जाए जनाब आ जाए, तो अगर आप मुझे इजाजत दी इजाजत है। ये देखे अब अल्लाह की तरफ से ये मुझसे ही टूटा था, मेरा हाथ लग के गिरा, उसके बाद मेरा इतनी केयरलेसनेस के मैंने इसको लगाया भी नहीं। आप गाड़ी चलाने में मसरूफ होते हैं, पीछे ही पड़ा होगा, ये भी दो में इसको भी फिट करना है, पर भैया बगैर किसी देरी की ये लगा सर, ये जरा मैं इसकी फिटिंग करते हैं। जला जी, इतना सा काम है इसका, ये बिल्कुल ही डेड हो गया, डेडेस्ट हो गया, ड्रॉप। ये भी बच्चों के कारनामे है सर, ये मैं बच्चों ने गाड़ी को खिलौना समझा था, वो समझते थे कि जी टैंकी है, फिर हमने भी कहा चलो यार कोई करने में जाए, चाबी उन्होंने खराब कर दी, एसी वेंट्स उन्होंने तोड़ दिए। ये देखिए जी, ये जनाब साहब बच्चों ने तोड़ दिया, ये अभी वो पिछले दिनों शादी पे गए हुए थे लेके, तो वो भी तोड़ दिया। चलें क्या कर सकते हैं, मेरा एक भांजा है बिलाल। हाँ ठीक है, वो तो बहुत शरारती है, बहुत शरारती, लेकिन है तो जान हमारी, तो ये उसने तोड़ा है, तो मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, मैं यार जान है चीता, क्या कह सकते कुछ भी नहीं यार, ये उन्हीं की चीजें हैं, ये सब कुछ लगता है काफी। ये मुस्तफा भाई हैं जी हमारे, मैंने उनसे सामान मंगवाया, मुस्तफ़ा गिराज वाले भाई बहुत अच्छे भाई हैं मेरे। आप भाइयों ने भी कोई भी किसी भी तरह का मार्केट से रिलेटेड, क्राउन से रिलेटेड, कोई भी जापानीज़ गाड़ियों से रिलेटेड सामान मंगवाना हो तो आप उनसे मंगवाएं, ठीक है, मेरा रेफरेंस दे देंगे तो शायद थोड़ा आपको डिस्काउंट मिल जाए। ये तो मुस्तफ़ा भाई पर डिपेंड करता है, इज्जत रखते हैं कि नहीं। नहीं यार नहीं रखते, बहुत अच्छे भाई हैं मेरे। अच्छा ये अभी बल्कि इनफैक्ट अभी तक मुझे सामान नहीं पता था, तो बार बार फ़ोन करके पूछते थे मार भाई सामान पसंद आया जी माशाल्लाह। ये ये तो मार दी, टोटल जेन्युइन कर दिया, ये ले जी फिट हो गई है पूरी, ठीक है जी हम भाई बेहतरीन। और भी अबरी रेसी लुक आ गई अंदर से, रेसी लुक तो आनी थी अभी, जब ये अंदर से वो लग जाना इसका, ये भी निज़ाम हैवी हो जाना है भाई।
गुड हो गया सेट वाली ओके नहीं ये वाली ओके आती सेट वाली हां ये जरा अरहम भाई आप ये गाड़ी तो स्टार्ट कीजिएगा सेल्फ स्टार्ट करें मार अच्छा जी गाड़ी का काम तो कंप्लीट हो गया इंटीरियर का जो भी था तो शेख आ गए हां मैं आ गया चलो शेख साहब भी आ गए शेख साहब को भी दिखाते हैं लेंगे हेलो गाइस ये ले जी शेख साहब भी आ गए फनान भाई भी आ गए क्या हाल है भाई ठीक ठाक हो यार बहुत प्यारा काम हो गया नहीं हो गया ये भी साइड वाले किए चेंज यार ये भी चेंज अच्छा नाइस यार माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम हो गया यार सारी है ना बहुत एयर प्यूरीफायर भी लग गया हां ये भी लग गया वेरी नाइस लुक निकल आई है गाड़ी की यार अंदर रूम सारा साफ हो गया यार ये बहुत साफ हो गया माशाल्लाह चलो बेहतरीन हो गया यार बुड्ढो हो गया शेख साहब बेहतरीन हो गया जनाब नहीं आपको कुछ पड़ा नहीं कुछ एंड करते हैं ब्लॉग करते हैं यार बस हो गया आज नहीं भाई जान ये था आज का ब्लॉग उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आपको ये वाला ब्लॉग भी हमारा पसंद आया होगा तो जे तो पसंद आया नहीं आया तो फिर भी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को टिमकने को टन कर दीजिएगा ठीक है तब तक के लिए अपना ख्याल रखें आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में अल्लाह हाफिज़।